नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड न्यूज नेटवर्क में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और सभी लोग अपने इस दिवस को अपने भी तरीकों से मनाते हैं, जैसे पौधा लगाकर, पानी का सही उपयोग करके। तो क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे कब हुई है? आइए हम आपको बताते हैं इससे जुड़ी कुछ बातें। 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ह्यूमन एनवायरनमेंट पर स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी शुरुआत हुई है, यानी 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई है। ये जो सम्मेलन हुआ, इनमें कुल 119 देश शामिल हुए थे और एक धरती को सिद्धांत के रूप में अपनाते हुए सभी देशों ने इस सम्मेलन में अपने अपने हस्ताक्षर किए थे। तब से 5 जून को सभी देशों में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत भारत की संसद द्वारा 23 मई 1986 में ये पारित हुआ। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत यह 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ हमारे भारत देश में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। इसे पारित करने का जो मुख्य उद्देश्य या मूल है, वो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में जो भी प्रयास किए गए हैं, भारत में कानून बनाकर उनको पूरी तरह से लागू करना। ये संरक्षण 3 तरह का हो सकता है, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और वन संरक्षण, यानी वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या था? तो इस बार 2022 की जो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था, वो था ओनली वन अर्थ, मतलब केवल एक पृथ्वी है। तो इस पर उठाए गए हाल ही में हमारे सरकार के कदम, तो केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए सलाह दी कि सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पन्नी और पानी की बोतलों से पर्यावरण को हो रहा है काफ़ी नुकसान। इसे रोकने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कि सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से, यानी स्टेप बाय स्टेप बंद किया जाना चाहिए। केंद्र ने कहा है कि इससे स्वच्छ और हरित पर्यावरण को और बेहतर बनाने में मदद मिल पाएगी। सरकार का कहना है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB और पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार देश के 4,704 में से 2,591 शहरी स्थानीय निकाय ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पहले से ही बैन कर रखा है। अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर ये निश्चित करें कि बाकी बचे 2,100 से अधिक निकाय भी 30 जून 2022 तक हर हाल में प्रतिबंधित किया जाए। कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि 30 जून 2022 तक जितने भी इलाके बच गए हैं या राज्य बच गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बच गए हैं, जहां पे भी अभी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन नहीं है, वहां पर इसको पूरी तरह से बंधित कर दिया जाए यानी बाध कर दिया जाए। इसी दिशा में पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से पंजाब सरकार ने प्लास्टिक को जुलाई से बंद करने का निर्णय लिया है। जुलाई 2022 से राज्य में प्लास्टिक पर पाबंदी लगाई जाएगी, ऐसा पंजाब सरकार ने बोला है। राज्य भर में स्टेप्स यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर सैचुरेटेड स्थापित करने का ऐलान किया है पंजाब सरकार ने, और उनके सचिव के द्वारा कहा गया है कि ये आधुनिक प्लांट जल प्रदूषण के स्तर को कुछ हद तक घटाने के साथ ही संशोधित पानी की खेती और सहायक धंधे, जो भी अन्य जो भी सहायक क्षेत्रों के धंधे होते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों में हद से आधुनिक मीटर लगाकर औद्योगिक इकाइयों की ऑनलाइन निगरानी भी शुरू की है, जिसके चलते इसकी जांच करने के लिए ऑनलाइन निगरानी स्टेशन भी शुरू किए गए हैं। इस साल 1.20 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी पंजाब सरकार ने डिसाइड किया है। ये थे सरकार के काम जो हमने सुना। अब ये तो समय बताएगा कि ये कितना कारगर साबित रहा, क्योंकि योजनाएं बनती हैं, काम होता है, पर फिर समय ही बताएगा कि कितना सही रहा, कुछ हुआ या बस केवल बात रही। वैसे हम आप भी अपना सहयोग अपनी तरफ से दे सकते हैं कि ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना दें जो नेचर के लिए हार्मफुल हो। इस तरह से हम भी सरकार की मुहिम में अपना सहयोग दे सकते हैं। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बने रहिए एनवर के साथ। नमस्कार।